तो आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। मैं शिवम अपने YouTube चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जब अपने Instagram को ओपन करते हैं उसके बाद अकाउंट सेटिंग ओपन करते हैं तो वहां पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाती है। यहां पे देखने को मिलेगा जब आप अकाउंट सेटिंग ओपन करेंगे और जब आप वहां पे ब्राउजर सेटिंग्स के अंदर क्लिक करते हैं यानी कि ओपन करते हैं तो यहां पे एक सेटिंग देखने को मिलती है ऑटो फिल सेटिंग। तो इस सेटिंग से क्या होता है और यहां पे आप इसे इनेबल करने से क्या होता है और यहां पे अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने से क्या होता है वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटे से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब यहां पे आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन के अंदर Instagram ओपन करना है, उसके बाद अपना अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वहां पे आपको अकाउंट सेटिंग ओपन कर लेना है। जैसे आप अकाउंट सेटिंग ओपन करेंगे उसके बाद ब्राउजर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहां पे ये सेटिंग देखने को मिल जाती है ऑटो फिल सेटिंग। तो इस सेटिंग से क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे देखने को मिलेगा क्विकली फिल इन फॉर्म विथ यू सेव कॉन्टेक्ट इन्फो, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब अपने ब्राउजर के अंदर कहीं पर भी कोई भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको फॉर्म अपनी पूरी की पूरी एड्रेस अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा, तो अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं और यहां पर अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देते हैं, जैसे आपका फर्स्ट नेम, सर नेम और यहां पर आपका एड्रेस हो गया, फ्लैट हो गया, यहां पर आपकी सिटी हो गया, यहां पर आपका यानी कि यहां पर आपका कंट्री हो गया, यहां पर आपका पोस्ट कोड, ईमेल और फोन नंबर, यानी कि अपनी यहां पे जो आप यहां पे सेव करते हैं अपनी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, तो दोस्तों क्या होता है कि वो आपके उसी ब्राउजर के अंदर जहां पे आप कोई भी फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी अगर आप इस सेटिंग को यहां से इनेबल कर देंगे और अपने यहां पे इंफॉर्मेशन फिलअप कर देते हैं। तो ऐसे ये होता है कि आपकी ऑटोमेटिक आपकी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन फिलअप हो जाएगी, वहां पे आपको एक एक करके आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं करना है। जैसे आपका नाम हो गया, बर्थडे हो गया यानी कि डेट ऑफ बर्थ हो गई और यहां पे आपका एड्रेस हो गया, वो फिलअप नहीं करना पड़ेगा। तो Instagram के ब्राउजर सेटिंग के अंदर आपको यह सेटिंग देखने को मिलती है और इस सेटिंग से यही परिवर्तन पड़ता है कि जो यहां पे अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करके रखते हो और वही इन्फॉर्मेशन जब आप किसी भी ब्राउजर के अंदर किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हो तो यही आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके रखते हैं। अगर और भी आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपको लर्न मोर पे क्लिक करना है, वहां पे आपको और भी इसके बारे में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।